Uh, next question. Question says a planet moving along an elliptical path is closest uh, to the sun at a distance r1 and farthest at a distance r2. if v1 and v2 are the linear velocities of these points दीज पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली दे रेशो ऑफ वी वन वी टू विल बी हमारे ऑप्शन है आर वन बाय आर टू का स्क्वायर या फिर r2 टू बाय आर वन या फिर आर टू बाय का स्क्वायर या फिर आर वन इन चार में से हमें ऑप्शन बताना है हालाइट right? यहाँ थोड़ी सी अपने को uh, मैं आपको इसको करने के दो तरीके बताऊंगा uh, थोड़ी सी अपने को यहाँ पे एलिप्स की नॉलेज भी ज़रूरी हो जाएगी हालांकि नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा एलिप्स के नॉलेज की, की ज़रूरत नहीं है बट फिर मैं उसके पीछे मैथमेटिकल रीज़न क्या है वो आपको समझाता हूँ हालाइट सो so, बड़ा सिंपल सवाल है अगर हम ये कहें कि सिचुएशन ये है कि ये आपका सन है यहाँ से आपका एक प्लानट है जो आ, इसके अराउंड घूम रहा है यहाँ पे जब है इसका डिस्टेंस आर वन है और यहाँ वेलोसिटी वी वन है सन से हमारा डिस्टेंस जब यहाँ पे आपका प्लानट है वेलोसिटी वी टू है और ये डिस्टेंस आर टू है हमें वी वन और वी टू का वैल्यू बतानी है ना इस केस में हम ये कह सकते हैं एक मैथड वन जो है इसको सिंपल तरीका करने का ये कि इस प्लैनेट का जब ये गोल गोल घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ में सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हम ये कह सकते हैं मेथड वन है कि एंगुलर मोमेंटम एल वन विल बी इक्वल टू एल टू और अगर हम एंगुलर मोमेंटम इस लोकेशन पर लिखें तो हम कह सकते हैं मास ऑफ सेटेलाइट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वन मल्टीप्लाइड बाय आर वन बिकॉज एंगल यहाँ पर नाइन्टी का हो जाएगा विल बी इक्वल टू एम वी टू आर टू विच एम्प्लाइज जो हमें रेशो बताना है हमें रेशो बताना है वी वन बाय वी टू का विच एम्प्लाईज वी वन डिवाइड बाई बी टू विल बी इक्वल टू आर टू डिवाइड बाई आर वन सो दिस विल बी आ राइट आंसर सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर हालांकि इसी को करने का एक और थोड़ा मैथमेटिकल तरीका ये है अगेन उसका डेरिवेशन तो हम यहाँ नहीं करेंगे पर अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें कि दो आपकी वेलोसिटी v1 और v2 टू हैं ये डेटा अगर याद रहे तो कोई बुराई नहीं है वेलोसिटी uh, v1 उसको हम लिखते हैं जी एम मास ऑफ प्लान डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाईड बाई वन प्लस ई डिवाइड बाई वन माइनस ई और वेलोसिटी v2 उसको हम लिखते हैं जी एम डिवाइड बाई ए वन माइनस ई डिवाइड बाई वन प्लस ई यह आपकी वेलोसिटी हो जाएगी अगर हम इन दोनों का रेशो लेंगे एम पी आपका मास ऑफ प्लानिट है और ए आपका मेजर एक्सेस है यहाँ से यहाँ जब हम करेंगे तो आपका जो सेमी मेजर एक्सेस है इसको हम ए कहते हैं थोड़ी सी यहाँ पे एलिप्स की नॉलेज जो है वो ये होएगी कि ये वाला ए है और ये डिस्टेंस आपका ए ई e होता है वेर ई इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स सो so, ये वाला डिस्टेंस ए ही होएगा यानी कि ये जो आपका आर वन है ये हो गया ए वन माइनस ई और आर टू हो गया ए वन प्लस ई तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आया ये ए है ये ए है, है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर टू आपका ए वन प्लस ई हो गया ये वाला डिस्टेंस ए वन माइनस ई हो गया अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें सो so v1 वन डिवाइड बाई वी टू जी एम जी विल गेट कैंसल और ये वाली वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में वन प्लस ई मैं जानबूझ को ए को यहाँ पे डिलीट uh, नहीं कर रहा हूँ ए को हम यहाँ पे कट नहीं कर रहे सो दिस विल बी इक्वल टू ए आ जाएगा uh, इसको ऐसे लिखते हैं वन बाय ए मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ई डिवाइड बाय वन माइनस ई अब जब इससे हम डिवाइड uh, करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल uh, uh, वो करके लिख लेते हैं सो दिस विल बी ए मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस ई डिवाइडेड बाय वन माइनस ई इसको अगर आप नोटिस करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय ए और ये ऊपर बन गया वन प्लस ई का स्क्वायर ये नीचे बन गया वन माइनस ई का स्क्वायर अगर हम इसको ऊपर नीचे दोनों को ए से मल्टीप्लाई कर लें तो ये ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं अब इसका अंडर रूट लेंगे सो दिस विल बी ए वन प्लस ई डिवाइड बाय ए वन माइनस ई और इस वजह से हम ये कह सकते हैं जो हमारा रेशो है वी वन डिवाइड बाय वी टू वो रेशो आ गया uh, आपका ए वन प्लस ई इज़ आर टू से भी ये चीज प्रूव कर सकते हैं ना so, काम हो जाएगा ये डेरिवेशन भी हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके ही निकाला है ना so, अगर इन दोनों की कभी आपको जरूरत पड़े तो मैं चाहता हूँ आपको एटलीस्ट इनका एक्सपोजर हो सो so, इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर होगा बी देट वुड बी द राइट चॉइस